यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो, यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाओ के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझसे समाकर मुझे पाओ के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, उनके पुरखा, और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे निर्लज्ज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे काटो, ऊंट कटारो और बिच्छू के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। सो चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े बलवाई हैं। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू भी बलवाई न बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे।